ये गाड़ी ऊपर से गिरी थी, गाड़ी आ रही थी ना। ये यहाँ पे एक टाइट है, ये जो उस साइड है वहाँ पे वो उसका टूट गया, इस वजह से दिक्कत आ रही है। ये बहुत खड़खड़ की आवाज कर रहा था तो मैंने देखी। टायर हो गया पंचर, अभी हम हाईवे पे। हाईवे अब आगे क्या आएगा भैया? पॉइंट है भैया तीन चार और, नीचे तीन चार और पॉइंट है। वाटरफॉल हो गया आपका। जगह कौन सी आएगी नीचे? कालादुंगी होते दिल्ली। 6 घंटे का रूट हमने 14 घंटे में किया, दिल्ली से नैनीताल 6 घंटे, जो हम 14 घंटे में आए हैं। तो सोच लो अब ये भी 7 घंटे का दिखा रहा है दिल्ली से नैनीताल से दिल्ली, तो मुझे भी लगा 7 के 12 घंटे तो होंगे। ये आवाज किस चीज की आ रही है? छन छन की मुझे आ रही है। ये नेट ढीला हो गया लग रहा है। हाथ लगा के देखना उसको। हाँ इसी की आवाज है भाई, इसी की है। डेंजर हो गया, यहाँ से पत्थर गिरते रहते हैं, देख ही रहे हो। फिर भी कुछ भी गिर सकते हैं पूरे कच्चे। बाइक इतनी स्मूथ चल रही है वो बता नहीं सकता, कोई दिक्कत दे ही नहीं रही है। अभी तक टंकी फुल ही है, सिर्फ एक मुंह कम हुआ है और मैंने नैनीताल में भरवाई थी। कहो तो नाना करते हुए भी इसने मुझे पहाड़ों पे जो एवरेज दी है 35 की एवरेज दी है मुझे टोटल। मैं अभी तक अगर लगाऊँ तो उसने मुझे 35 की एवरेज दे दी बुलेट में। बैड यार, 35 की एवरेज बहुत सही होती है, स्कूटी देती है 40 की एवरेज तो, और ये 35 की एवरेज दे रही है, बहुत बढ़िया। दिस इज सुपर। मैंने वो भी देखी थी, ये आपकी कौन सी है, होंडा हाइनेस। तो होंडा हाइनेस मैंने देखी, उसके बाद जब मैंने उसे चलाया ना तो मतलब थी वो भी अच्छी थी, मतलब मुझे वो कहीं ना 18-20 का फर्क लगा। वो 18 तो ये 20 है, होंडा हाइनेस 18 है ये 20 है, मुझे फर्क लगा कहीं ना कहीं होंडा हाइनेस से। और दूसरी सबसे बेकार बात क्या होंडा हाइनेस की, कि मैं दिल्ली में रहता हूँ ठीक है, अब दिल्ली में होंडा का हाइनेस जहाँ पे मिले वहाँ पे उसका कोई भी डीलर नहीं है ठीक है, तो मुझे स्पेशली गुड़गांव जाना पड़ा बाइक देखने के लिए। और अगर मुझे खरीदनी भी होती तो मुझे गुड़गांव से खरीदनी पड़ती। चलो ठीक है, खरीद ली एक बार के लिए, गुड़गांव चले गए नोटा लाइक बांटते ठीक है, हम चले गए हमने ले ली ठीक है। बट उसके बाद दिक्कत कहाँ आती है, सर्विस पे। सर्विस के लिए भी आपको हर बार गुड़गांव लेकर जाना पड़ेगा, मतलब दिल्ली में कोई सर्विस भी नहीं है होंडा की, होंडा हाइनेस के लिए। तो ये चीज़ मुझे एक बहुत ज़्यादा ना बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट लगा, जिसकी वजह से मतलब पहले ही मेरा मूड हो गया कि नहीं यार ये तो ले लूँ। होंडा वाले अभी भी मैं बोलूँगा होंडा को कि उनको अपने सर्विस सेंटर और डीलरशिप दिल्ली में भी बनानी चाहिए, तो बिकेंगी उनकी हाइनेस भी बिक रही है अभी भी, बट और बिकेगी अगर वो दिल्ली में भी होगा और सर्विस सेंटर भी होगा अगर उसका दिल्ली में। बहुत दिक्कत है यार, बंदा दिल्ली से गुड़गांव जाए स्पेशली सर्विस करवाने के लिए। जाते हुए भी तो देखी थी हमने, ये गाड़ी ऊपर से गिरी थी जब हम वापस मतलब नैनीताल जा रहे थे, तो हमने देखा था उस टाइम इसका एक्सीडेंट हुआ था। कोई कह रहा था गिरी है, पर मुझे लग तो नहीं रहा कि गिरी हुई है कहीं से, तो पेड़ वेड़ टूटे होते, ये यहीं कहीं पे इसका एक्सीडेंट हुआ है तो, है ना? एक्सीडेंट ही हुआ है। दिल्ली नंबर है, कौन सा नंबर है? आगे ले, आगे तो गई है, पीछे से पता लगा। बाहर की होगी, लोकल तो नहीं होगी। मतलब गाड़ी देख रहे हो पूरी खत्म है।
अरे रुक यार दिव्यांश, ये गाड़ियां निकलने ना रोड पे, लेटूंगा खींचियो। तू पीछे तो देखियो, पीछे तो नहीं आ रही कोई गाड़ी। चल दिव्यांश, दिव्यांश जल्दी, ओए जल्दी वहां जा, वहां जा, वहां से। एक दो तीन, बढ़ जा यार तू, रिस्की बंदा। ओ आगे गाड़ी, गाड़ी आ रही धीरे से। दो 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 दो। हां रेडी, गन्ने का जूस पीना यार। बाइक का जो नीचे का होता है वो थोड़ा सा लूज हो गया, एक मिनट दिखाता हूँ। इसका नट निकल गया, एक्सेल होता ना, एक्सेल एक्सेल का देखते हैं कब करवाना है। अभी देखता हूँ। ये यहाँ पे एक टाइट है, ये जो उस साइड है वहाँ पे वो उसका टूट गया, इस वजह से दिक्कत आ रही है। ये बहुत खड़खड़ की आवाज़ कर रहा था तो मैंने देखा, तो अभी ये होगा, देखते हैं आगे कोई होगा तो नट वट लगवाते हैं, और ना फिर दिल्ली तक चलाते हैं, दिल्ली जाके देखेंगे क्या करना है। भैया कौन सा गाँव था? अब कौन सा आएगा? अब बाजपुर आएगा, उसके बाद फिर आप फिर यूपी में। ये किस चीज की, यहाँ पे खेती किस चीज की होती है? लाई, मेंथा, और ये जो पीले पीले फूल हैं जो पूरे आगे है, ये किस, ये लाई है? लाई क्या होता है? सरसों का ऑयल बनता है। अच्छा अच्छा सरसों का। चलो ओके भैया, ये है अपनी रसोई। अभी अभी यहाँ पे हमने लंच किया एंड सीरियसली वर्थ इट था, इतना टेस्टी खाना। हम चार बंदे थे, हम चार बंदों ने अपनी रसोई यहाँ पे खाना खाया और सिर्फ 500 रुपये मिला है। और इसमें हमने तीन सब्जियाँ मंगवाई थी और मिस्सी रोटी, नान, सब कुछ। इतना वर्थ इट और इतना अच्छा खाना अभी तक पूरे ट्रिप पे कहीं नहीं मिला इससे अच्छा खाना। ये देखो झूले भी लगे हुए हैं, आराम से रिलैक्स करो। ये यहाँ पे बैठ के, बाहर बैठ के हमने खाना खाया, बहुत ही मजा आया। चले दिव्यांश, ये निकलेगा तो नहीं? वो देख वहाँ पे ना स्क्रू नहीं है उसका, स्क्रू नहीं है उसका यार, यहाँ पे करना बनची है। चल ठीक है, चलते बैठ। भैया टायर पंचर है या क्या हवा, ये तो देख लो। अरे मग्गे में बोले हो ना झाग वाला पानी। पंचर है
क्या लग रहा है भाई, कितना टाइम लगेगा? और 15 मिनट और 10-15 मिनट। कितना टाइम लगेगा और? 10-15 मिनट हार्डली। टायर हो गया पंचर, हम हाईवे पे, हाईवे से गया टायर वहाँ पे नीचे कहीं पे पंचर होने के लिए, ठीक होने के लिए गया। अब देखते हैं कितनी देर में आता है, फिर उसके बाद निकलेंगे फिर घर की तरफ। बहुत लेट नहीं हो गया? हाँ लेट तो हो ही गए। परेशानी क्या आ रही है तेरे चेहरे पे? परेशानी है? नहीं नहीं, थोड़ी थकावट है। चलो ठीक है, अपडेट देते हैं आप लोग जैसा भी होता है।